मेस में जब भी जीवीएम होता है, कुछ भी होता है, तो 5 घंटे पहले या कभी भी अचानक से एक दिन पहले नोटिस, कम से कम 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले नोटिस लगने चाहिए, लेकिन अर्जेंट कभी भी लग जाता है, तो इसके लिए ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों को सूचित किया जाना चाहिए कि आज जीवीएम होने वाला है, क्या चीज़ होने वाला है। कुछ इशूज हॉस्टल में काफ़ी इशूज़ हैं, जैसे वाटर कूलर 2 महीने आके पड़ा था, हो सकता है इसमें प्रेसिडेंट ने अप्लीकेशन लिखा हो या ऑफिस इंचार्ज ने दबा लिया हो, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं भेज रहा इंजीनियर, कुछ भी हो सकता है। उसका उसके लिए मुझे तो पूरा जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इसके लिए जीवीएम होता, कुछ स्टूडेंट्स आते बैठ के बात करते भाई क्यों नहीं हो रहा है, तो इसके लिए अगर हम लोग DSW जाते तो हो सकता था कि ये 10-15 दिन में लग जाए, लेकिन ये नहीं हुआ। अगर मैं आता हूँ तो मैं प्रॉपर GPM कराऊंगा, और हर मुद्दे के लिए कोई भी अगर कुछ भी करना हो तो उसके लिए रेगुलर GPM की कॉल दी जाएगी। पिछली बार जब कुछ दिन पहले आप लोग देख रहे थे, बरसात का मौसम था, पूरा बारिश हो रहा था, चारों तरफ पानी पानी था, यहाँ पे कोई बिजली बल्ब नहीं था, उसके लिए हम लोग गए थे वो ये केयरटेकर के पास। केयरटेकर 15-20 दिन से गायब था, पता ही नहीं था नया केयरटेकर आने वाला है या पुराना वाला छोड़ दिया। तो फिर बाद में 15-20 दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, देखा नया केयरटेकर है, मैंने बोला यार पुराना वाला कब छोड़ा, तो बोला उसने बताया नहीं, वहाँ से रिजाइन भेज दिया। ठीक है भाई, ठीक है। फिर वो आया तो उसके लिए कितनी बार कंप्लेंट किया हमने। हॉस्टल में सैनिटेशन इश्यूज बहुत ज़्यादा रहते थे, वो यूरिनल जो है वो हमेशा जाम ही रहता था, टॉयलेट्स क्लीन नहीं रहते थे, वो वर्कर्स जो आते थे ऐसे ही पानी मार के चले जाते थे, कभी सफाई नहीं रहती थी प्रॉपर। इसके लिए हमने वार्डन को अप्लीकेशन लिखा है, और उसके बाद से वार्डन हमारे रूम पे आके बोले यार तुम्हें दिक्कत क्या है। मैं बोला भाई दिक्कत हॉस्टल का है, मेरा क्या दिक्कत है। उन्होंने भाई जरा दिखाना, मैंने अप्लीकेशन लिखा आप उसको देख सकते हैं, उन्होंने अमित मिश्रा सर ने बोला, और आके मैंने उनको दिखाया, ऐसी ऐसी बात है। मैं जब टॉयलेट में गया तो पूरा एकदम नीट एंड क्लीन था, ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने उनको अप्लीकेशन लिखा है जो भी है। तो फिर उन्होंने पूछा भाई तुम्हें दिक्कत क्या है, मैंने बोला सर दिक्कत नहीं है, पूरे हॉस्टल का इशू है। तो फिर जब मैं उनके साथ टॉयलेट में गया, दिखाया वगैरह, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप विजिलेंट है, अच्छी बात है, लेकिन आपकी भी इसमें गलती है, आप लोगों को खुद साफ रखना चाहिए। ठीक है भाई, अब क्या ही कर सकते हैं मॉडर्न है। फिर पिछले बार कुछ वर्चों में हमने देखा है कि मेस फी 250 से 300 रुपए की कम करने की बोली जा रही है, लेकिन उसको तो हमारी कमेटी ने ऑलरेडी कर चुका है, तो हो सकता है आपको बढ़गलाने की कोशिश की जा रही हो। जाते हैं कि मैंने कितना काम किया है, और मैं हर जगह रहा भी हूँ, तो आप लोग मुझे नहीं लगता है कि एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत है कि मैंने क्या किया है, क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं मैंने क्या किया है। हॉस्टल्स के जितने भी इश्यूज हैं, चार्ट सम्मेलन हो या फिर GBM वगैरह, मैं सबने आया हूँ, और मैक्सिमम्स में मैं रहा हूँ, एक दो में मैं नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे एग्जाम्स वगैरह थे, ये मैं नहीं बोल सकता। दूसरी बात यह है कि जो डीप फ्रीजर की बात हो रही है वो भी पास हो चुका है, ये हॉस्टल के जो स्टाफ्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के टाल मटोल के कारण वो आ नहीं पाया है। ये जो टोस्टर है इसमें अगर आप हमारे प्रेसिडेंट्स जो हैं, जो लोग बहुत आते हैं लंबा चौड़ा फेंक के जाते हैं, बोल के जाते हैं, एजेंडा वगैरह लेके आते हैं काफ़ी, मैं उतना अच्छा एजेंडा स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादा बारे में जरूर बात करूंगा कि प्रेसिडेंट्स अपने पावर का एंजॉय करें, वो इनके लिए है, लेकिन इतना ज्यादा एंजॉय नहीं करें कि अपने रूम को किसी को अलॉट नहीं होने दें। एक साथ कंट्रोल का समय ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे आप प्रेसिडेंट है, मेस सेक्रेटरी है, हॉस्टल कमेटी है, मेस कमेटी है, कुछ भी है, आप पहले कॉमन स्टूडेंट है, यहाँ के रेसिडेंट है, उसके बाद कुछ है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स को हितों का ध्यान में रखते हुए, सारे हॉस्टल के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए कोई भी काम होना चाहिए। इसके बाद हमारे कुछ एजेंडेज हैं, एजेंडाज उसको मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। ट्यूबलाइट एट स्टेयर्स,
यहाँ पे ट्यूबलाइट नहीं था, मैं बताया पहले ही, तो स्टेयर्स वगैरह पे नियरनेस वहाँ नहीं था, इसको देखा जाएगा। प्रॉपर चेक ऑन सैनिटेशन रिलेटेड इशूज, जिसपे मैंने वार्डन को अप्लीकेशन लिखा था, सैनिटेशन का इंचार्ज जो था उसको चेंज भी करवाया गया, प्रेसिडेंट के हेल्प से करवाया गया, वार्डन ने मेरा नहीं सुना लेकिन मैंने इनको बोला तो उसके बाद ही चेंज हुआ वो। वाटर फिल्टर जो है तीन तीन चार चार महीने तक वो ऐसे ही रहता है, सेकेंड फ्लोर उधर उस विंग में, सेकेंड फ्लोर पे इस विंग में, सेकेंड फ्लोर पे कोई पानी लेने नहीं जाता है क्योंकि वहाँ का फिल्टर इतना गंदा है, कोई टेस्ट ही नहीं आता, पानी ऐसा अजीब सा लगता है, इसलिए ऊपर सेकेंड फ्लोर थर्ड फ्लोर सबको आके ही पानी लेना होता है, उधर से होता ही करते, सारे लोगों को ये दिक्कत होती है, इवन मैं भी आता हूँ। जिम में शीशा नहीं है, ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे पड़ा है, मैं बोला यार यहाँ पे खराब हो जाएगा, यहाँ पे बच्चे डिबेट करते हैं, इस कल्चरल इस झेलम का ये परंपरा है कि यहाँ पे डिबेट सिस्टम है, उसे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ ये लगाने का क्या मतलब, इसे जिम में लगा देना चाहिए। रीडिंग रूम, रीडिंग रूम में अगर कोई लैपटॉप लेके बैठता है तो आप सॉकेट वहाँ, अगर आप यहाँ बैठे हैं जगह मिला है तो आप सॉकेट वहाँ पे लेके जाएंगे चार्ज करने, कभी कभी वायर नहीं भी पहुँचता है, इसके लिए अगल बगल वालों को, और वहाँ का जो कुर्सियाँ रखी हुई है इतने मतलब अव्यवस्थित तरीके से रखी गई, उसे चैन से बांध के उसको अगर आप खसकाना चाहें तो आप वापिस आप ही को खसकना पड़ेगा, कुर्सी नहीं खसके। बोर्ड फैसिलिटी जो है, कैरम बोर्ड, एक सड़ा हुआ कैरम बोर्ड पीछे रखा हुआ है, उसमें कुछ नहीं है, पता नहीं उसका वो जो खेलने वाला गोटी है वो भी है या नहीं। टेबल टेनिस का बैट, पीटी बैट, ये सब कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। बैडमिंटन बहुत सारे हॉस्टल्स में रैकेट्स मिलते हैं बैडमिंटन के, यहाँ पे नहीं है, और कुछ विकेट्स वगैरह बॉल्स वगैरह उनकी हालत ठीक नहीं, विकेट्स टूटे पड़े हैं, हॉस्टल लाइफ में खरीदे गए हैं कुछ एक तो हैं, लेकिन फिर उसको लाया जाएगा। वाटर क्राइसिस, इस विंग में सबसे ज़्यादा वाटर क्राइसिस रहता है, सबसे ज़्यादा वाटर इधर ही दिक्कत होता है, जिसके लिए हो सकता है एक्स्ट्रा वाटर टैंक लगवाया जाए वार्डन से बात करके, अगर मैं मांगता हूँ आप लोगों का सहयोग मिलता है तो मैं जरूर वाटर टैंक लगाने की कोशिश जरूर करूँगा। सर्दियों में गर्म पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसका जब टेंडर शुरू होता है तो टेंडर जैसे आज शुरू हो गया तो 15-20 दिन बाद आएगा बनाने की, अभी इसमें ये प्रॉब्लम है तो 2-4 दिन ऐसे ही लग जाएगा, तो एक महीने तो इसका ऐसे ही निकल जाएगा। हॉस्टल बिल, हॉस्टल में कोई भी एक्सपेंडिचर होगा उसमें सारी चीजें में ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी, और ये जहाँ बिल्लियाँ प्लेट्स अपने जीव से साफ करती हैं या कुत्ते आ जाते हैं, एनिमल लवर्स से हम लोग बात करेंगे, भाई ठीक है आपको अगर ये करना है तो कीजिए, लेकिन दूसरों के हितों का ध्यान में रख के कीजिए। To come to the dais and deliver his speech. Your time starts now. मैं मुदस्सिर कादिर जहलम हॉस्टल के इस प्रेसिडेंशियल डिबेट में आए हुए सभी दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, हम सब लोग एज अ रेसिडेंट्स ऑफ दिस हॉस्टल जान रहे हैं कि वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ हॉस्टल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जेएनयू का एक इतिहास है, यहाँ का एक जेएनयू का एक कल्चर है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्शन होता है, चाहे वो बी द जेएनएसयू इलेक्शन, बी द जेएसकेएस इलेक्शन और द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बिफोर दैट देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ डिबेट, देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ डिस्कशन वेयर पीपल, आई मीन द कॉमन स्टूडेंट्स वांटेड टू लिसन टू द स्पीकर्स, दिस वांटेड टू लिसन टू द कैंडिडेट्स, कि उनकी बात सुन के जो कॉमन स्टूडेंट्स है जेएनयू के, वो एक अपनी राय बनाते, एक कॉन्सेंसस बना के अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं। तो ये जो हम लोगों का जेएनयू हॉस्टल का जो अभी का जो डिबेट है, ये भी उसी कड़ी के जेएनयू के एक लार्जर कल्चर का एक पार्ट है कि हम लोग एक प्रेसिडेंशियल डिबेट के पहले यहाँ हम सब लोग जमा हुए हैं, एक खाली सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल हॉस्टल प्रेसिडेंट के लिए, मतलब उस डिबेट के लिए आए हैं। तो हम लोग सब लोग यहाँ रेसिडेंट्स हैं, कुछ मतलब रेसिडेंट्स नए हैं, कुछ यहाँ सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं,
हम सब लोग हम मुझसे पहले मैं सेक्रेटरीज आए, उन्होंने अपनी बात रखी, अभी एक प्रेसिडेंट कैंडिडेट आया, उन्होंने अपनी बात रखी, सब लोग हम जिलों से वाकिफ है कि हमारे हॉस्टल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, बहुत ग्रेव इश्यूज है हमारे हॉस्टल के। मतलब अगर हम स्टार्ट करेंगे तो मेस से हम लोगों का जो प्रॉब्लम वो स्टार्ट हो रहा है। हम लोगों का फूड का जो क्वालिटी इट्स वेरी पुअर, ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट कि हाइजीनिक फूड कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल ऑफ अस सम ऑफ अस रिसर्च स्कॉलर्स, हम स्टूडेंट्स हैं, एक अच्छे इंसान एक हेल्दी इंसान के लिए एक अच्छे फूड का होना बहुत जरूरी है। तो उस चीज के लिए मतलब ये बहुत बड़ी समस्या है कि एक हाइजीनिक फूड का मेंटेनेंस किया जाए यहाँ पे। तो ये पहली प्रायोरिटी है, ये पहला कंसर्न है जिसको एड्रेस करने की कोशिश होगी। दूसरा चीज, अगर हम दूसरी एक बड़ा कंसर्न देखा जाए जो स्टूडेंट्स के मतलब कंसेंसस से भी पता चला, स्टूडेंट्स के थ्रू भी पता चला कि वो मेस बिल है। सम ऑफ अस आर गेटिंग स्कॉलरशिप्स, फाइन वी कैन पे द बिल व्हाट एवर इट्स कमिंग, बट द थिंग इज वी नीड टू कंसिडर द बी ए स्टूडेंट्स, दे आर गेटिंग स्कॉलरशिप मे बी MCM 2000 रुपीज, so it is pretty difficult for them to you know pay this high amount of bill jo hum logon ko abhi milta hai. to wo cheez to wo ek bahut bada issues hai. uske alawa hostel ka overall infrastructure dekha jaye, be it our water coolers, bahut sare water coolers pade hue hain but some of them are not functioning properly, maybe filters are not working. if you can go to the our wing, the cooler which is lying over there, it has not been working since 2 years. I was staying at the top floor. We used to come to get our water from this water cooler. क्योंकि उसमें जाने का कोई फायदा, जो लोग इस विंग, जो रेसिडेंट इस विंग में रहते हैं वो उस कूलर का हालत जानते हैं, उसका मतलब कितना खराब पानी आ रहा है। तो these things need to be renovated. इन चीजों को पूरा करने की ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा चीज, अगर हम देखें कि हॉस्टल का जो दूसरा प्रॉब्लम है, अगर मतलब यहाँ पे हम लोग मतलब हमेशा बहुत ही गाड़ियां हैं, टू व्हीलर्स है, वे आर कीपिंग दम इनसाइड एंड इट कीप्स आई मीन देयर इज अ कंजेस्टेड प्लेस, हम लोग वो बहुत सारा जैम होता है अंदर में। तो आई वुड प्रपोज दैट वंस इफ आई गेट इलेक्टेड वी वुड लाइक टू एस्टैब्लिश अ काइंड ऑफ पार्किंग आउटसाइड द जहलम गेट, वहां पे एक स्पेस रखा हुआ है उस पे हम एक छोटा सा पार्किंग उसके लिए, आई विल ट्राई टू स्ट्राइव टू एस्टैब्लिश दैट थिंग देयर सो दैट वी कैन कीप आवर टू व्हीलर्स ओवर देयर। और उसके बाद जो और प्रॉब्लम्स हैं हम देख रहे हैं, जैसे हमारा जिम के बारे में बात हुआ है, फाइन मतलब कि ग्लासेस टूटे हुए हैं, उन चीजों को बहुत इजीली से मतलब हम लोगों को मतलब सब मिलके वो मतलब उसका मतलब रेनोवेशन करना है, वहां पे नए मतलब जो चीजें कुछ नहीं है वहां पे उनको लगाना है। तो दीज आर द मैनी आई मीन मेन कंसर्न्स ऑफ आवर हॉस्टल। बाकी सारी बोमल अगर ट्यूबलाइट से लेकर हमारा सैनिटेशन का मतलब प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, मैं सेक्रेटरीज भी इसकी बात कर रहे हैं हर कोई। दोस्तों मैं आई वर्क एज अ मेस सेक्रेटरी इन द लास्ट ईयर, इन माई फर्स्ट टेन्योर व्हाट आई वाज द प्रीवियस वार्डन डॉक्टर हिमांशु ही गेव अस अ चैलेंज दैट कि तुम लोग क्यों बोलो कि तुम्हारा बिल ज्यादा आ रहा है। तो वी सेड कि सर जो दूसरे हॉस्टल्स हैं उनका भी वही स्टफ आ रहा है, हमारा भी वही स्टफ आ रहा है, तो हमारा बिल क्यों ज्यादा आ रहा है। तो हमने बोला सर हम आपको दिखा के मतलब दिखाएंगे कि हम लोग अगर प्राइवेटाइज वेंडर करेंगे तो हम लोगों का बिल कम हो सकता है। इन दैट वी नाउ वी आर सेइंग दैट कि देयर इज अ ट्रायल 3 months का हम लोगों का वेंडर चेंज हुआ है प्राइवेटाइज करने के लिए, एंड यू कैन फाइंड अ काइंड ऑफ डिफरेंस इन दिस मंथ कि एटलीस्ट 200 रुपीज डिक्रीज हो जाएंगे हम लोगों के। तो वही चीज को कंटिन्यू करने के लिए वी नीड टू इलेक्ट अ कैंडिडेट विच विल ट्राई टू डू हिज बेस्ट टू यू नो मेंटेन अ काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि जो प्राइवेट वेंडर है इट्स नॉट दैट इजी कि हाँ हम लोगों का पहले केंद्रीय भंडार से सारी चीजें आती है, फाइन कि कंप्यूटर बिल आता है उसको यहाँ देखा जाता है, बट व्हेन आई वाज देयर इवन देन आई यूज्ड टू चेक इट, आई यूज्ड टू गो टू द गार्ड्स रूम एंड चेक अर्ली इन द मॉर्निंग कि व्हाट इज द स्टफ दैट हैज कम टुडे, आई यूज्ड टू पोस्ट इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, वी आर रनिंग अ व्हाट्सएप ग्रुप, इफ ऑल ऑफ अस आर हियर हु हैज वर्कड एज अ मेस सेक्रेटरी आई पोस्टेड एवरीथिंग ऑन दैट ग्रुप, बट वंस माय टेन्योर गॉट एंडेड The next person came, I don't want to disclose the name, but that guy did it for 3 days. Others, they did other works, but I am talking about this thing, कि अगर हम लोगों का rate भी आता था, सामान आता था, कि जो waiting machine है, वो भी वही रहता था, सब कुछ वहां से check करके आता था। तो वो चीज कंटिन्यू करने के लिए हमें उस मतलब जो प्राइवेट वेंडर है उस पर बहुत ज्यादा हमको विजिलेंट रहना पड़ेगा, हर चीज का चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो रही मतलब हॉस्टल से रिलेटेड बातें, मेरा टेन्योर यहाँ सब सीनियर्स जो प्रीवियस मतलब सीनियर रेसिडेंट्स हैं उनको पता है, हर एक का
Maybe some of them appreciated me कि जो चीजें मेरे से होनी थी, I tried my best to do that because it was my responsibility. ये किसी को एहसान करना नहीं था. People gave me the mandate to do all this. तो उस समय पे मैंने कुछ कोशिश करने की कोशिश की, कुछ कामयाबी मिली उसमें, कुछ चीजें नहीं हो पाई. लेकिन जो हो पाई कम से कम, I have shown it in my manifesto also कि what I did as a previous as mess secretary during the last year. वो चीज मैंने दिखाई है. और अभी ये चीजें तो ठीक है, बट डू यू थिंक वी एज अ जेएनयू कम्युनिटी, डू यू थिंक देयर इज अ काइंड ऑफ यू नो फेयर इन अवर यूनिवर्सिटी ओवरऑल? बिकॉज वी नो द एडमिनिस्ट्रेशन इज एवरीडे इम्पोजिंग सम रिस्ट्रिक्शंस, सर्विलेंस. तो हमारा हॉस्टल भी जेएनयू कम्युनिटी का एक लार्जर पार्ट है. हमारे हॉस्टल पे सर्विलेंस किया जा रहा है, जहां पे एक गार्ड होता है वहां पे आज चार गार्ड रहते हैं. हम सब अभी एंटर होते हैं, we were asked to show the identity card. Why? This hostel belongs to the residents of this host. This belongs to the residents. तो हम लोग क्यों दिखाएंगे कार्ड? यहाँ आप दिखाओ, आप यहाँ के residents हैं कि नहीं? चार गार्ड्स हमारे यहाँ सर्विलेंस पे लगे. Maybe tomorrow the administration will come with a circular. हाँ, we need to put a CC surveillance outside. Do you think all of us can accept that? Fine, if some of them, some residents are, want to accept it, fine. But if I get selected as a president, I would try to conduct a GBM where we can have a consensus. हाँ, क्या हम उस चीज को यहाँ लागू कराना चाहते हैं कि नहीं? क्या उससे हमें फायदा होगा अगर यहाँ पे surveillance लगेगा? क्या? Because I, as a resident of this hostel, I think personally कि जो चीज अगर हमें surveillance की जाए, क्यों? We are the residents of this hostel. हम लोग इस hostel को उसी सीमत में चलाना चाहते हैं जैसे पहले चलता था. हमें कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं था, कुछ भी नहीं. बाहर की चीजें बाहर थी, यहाँ एज ए रेसिडेंट्स रहते थे हम लोग. तो यहाँ का जो चीज है वो यहाँ के रेसिडेंट्स के हिसाब से चलेगा, ना कि नॉट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. क्योंकि ये बच्चों का, ये रेसिडेंट्स का हॉस्टल है. हमको यहाँ ये कैसे चलाना है, दैट वी विल डिसाइड इन अवर GBM. इफ आई गेट सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, आई विल एंश्योर यू कि वी विल हैव एट लीस्ट 1 GBM in a 1 month, so that any issue regarding our hostel be the hospitality, so that with a consensus of the residents, हम लोग उस चीज का समाधान कर सकते हैं, उसका हल निकाल सकते हैं, जो भी हमारा मतलब मसला होगा यहाँ से hostel से related. तो दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं कि if I get selected, I would like to continue the ethos of this hostel, कि जो इस hostel का ethos रहा है, debates, culture का, और एक common residence के तौर पे यहाँ पे एक brotherly, एक environment है, उसको continue किया जाए without being affiliated to any political party. तो वो चीज को continue करने के लिए एक मेरा कोशिश रहेगा, और ये hostel जो है ये यहाँ के residents के हिसाब से चलेगा, ना कि हम पे जो administration के restrictions आएंगे, surveillance पड़ेगा. क्योंकि हम सब जेएनयू का एक larger part है. अगर कोई चीज बाहर होती है, it will directly affect our hostel. कोई चीज बाहर लगी तो हम पे भी वो इम्पोज हो जाएगी. तो आई एज अ प्रेसिडेंट वुड एंश्योर यू दैट इफ समथिंग हैपेंस लाइक दिस, ऑल ऑफ अस विल कम एज अ कलेक्टिव वॉइस एंड वी विल डेफिनेटली गो अगेंस्ट दोज रिस्ट्रिक्शंस. वो भी आप लोगों के कंसेंसस से एक GBM करके उसी के थ्रू उस चीज का हल निकालेंगे हम. बाकी जब आप लोग जाएंगे वोट करने के लिए, कास्ट योर वोट ऑन द बेसिस ऑफ नेशनलिटी. आप लोगों को सब पता है जो प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑल ऑफ अस हैव वर्क्ड एज अ मैस सेक्रेटरी प्रेसिडेंट. सो वो हमारा पिछला वाला कार्यकाल में देख के आप लोग अपने वोट का कास्ट करें. बाकी थैंक यू. कोई भी अगर सर्विलियंस हो, हम सबको आगे आके सब मिलकर कलेक्टिवली रोकना है एकदम. सही कह रहे हैं. क्वेश्चन टाइम फॉर मदरसा कादिर स्टार्ट नाउ. Now I invite Rohit Sharma to come to the dais and deliver his speech. Ready? Your time starts now. मेरा नाम रोहित कुमार शर्मा है. मैं PhD थर्ड ईयर में हूँ.
वेस्ट एशिया में हूँ, ऐसा ही सुना है। मैं 2016-17 में यहाँ का प्रेसिडेंट था। जिस स्थिति में मुझे हॉस्टल मिली थी उसमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा और उसका जो भी काम हुआ था उसका वर्क रिपोर्ट है यहाँ पे। गेट से शुरू करेंगे या मेस से तो पूरा काउंट करा सकते हैं। जैसे गेट से अगर शुरू करें तो एक छोटा सा बोर्ड जेनू हॉस्टल का खराब होके गिर रहा था, वहाँ बोर्ड ही नहीं था इस हॉस्टल का, तो उस बोर्ड को लगवाया गया। उसके अंदर एक अपना नोटिस बोर्ड इसका होता है हॉस्टल का, हर हॉस्टल का, लेकिन इसमें नहीं था नोटिस बोर्ड। उसके अंदर आप आएंगे मेस में तो ये जो टेबल बना है ना, ये दोनों स्टील वाला, वो लकड़ी का था और दाल रखने पे वो बार बार गिरने वाला, टूटने वाला, कई बार टूटा था लेकिन गिरा नहीं था। तो बोला सर इसको हटवा दो नहीं तो जल जाएगा सब। तो दो स्टील का ये बना, बाकी कर्टेल वगैरह लगा था और ऊपर जिम में फुल्ली रिपेयर हुआ था, 12,500 रुपया वो लगा था। तो ये सब काम हुए थे। वाटर कूलर का अनडाउटली इनके टेन्योर में आया है, लेकिन पास हुआ था मेरे ही टेन्योर में, इनको सब पता है वैसे, ठीक है। वाटर कूलर और एक डीप फ्रीजर, 9 जगह साइन करा के पास होके रखा हुआ था। उधर से आने वाला था तो पता चला कितने लीटर का चाहिए वो लिखने के लिए उधर से भेज दिया था और वो दबा रह गया यहाँ। तो इनको पूछना चाहिए था, थोड़ा सा मिसमैनेजमेंट हुआ होगा, नहीं पूछ पाया उस टाइम पे, नहीं गया। इस हॉस्टल को छोड़ के बाकी सभी हॉस्टलों का चला गया वाटर कूलर खरीदाने। इसको लास्ट में इन दोनों लोगों ने बहुत प्रयास करके ऐड करवाया। बाकी हम लोग DSW गए थे 5 लोग यहाँ से, तो वो मुझे इसलिए जाना पड़ा कि मैं देखा कि फर्स्ट स्टार जो होता है यहाँ पे, वहाँ पे नल का पानी पाइप से लगा के इसमें डाल दिया पुराने वाले वाटर कूलर। मैं बोला कि यार ये पानी कैसे पी सकते हैं, इससे तो मुंह हाथ धोते हैं, नहाते हैं, और पहला रोजा के दिन अगर तबीयत खराब हो जाए तो पूरा महीना निकलेगा कैसे। तो मैं आजम भाई को बोला कि भाई ये नहीं चलेगा, आपको चलना पड़ेगा। तो 5 लोग गए थे इस हॉस्टल से, ये भी थे, तब जाके वाटर कूलर आया। और डीप फ्रीजर भी आ चुका है अनडाउटली, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है, वो भी आ जाएगा। तो वह तो वर्क रिपोर्ट में है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी मैं इस टेन्योर में क्यों आना चाहता हूँ, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो मैं देखा सुमित जी को बदलाव चाहते थे लोग, कि बदलाव करते हैं, आप रह लिए हैं तो बदलाव किया जाए, थोड़ा कुछ नया काम किया जाए। तो मैं देखा कि जीत के आ गए, लेकिन क्या हुआ ना कि एज ए टीम वर्किंग का काम नहीं हो पा रहा था। ये अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे थे, बाकी कोई भी काम रुकता था तो सीनियर्स को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ता था। वो टीवी खराब हुआ तो कम से कम 3 या 4 बार राजू जी, अजय जी, मैं भी गया था, ये भी गए थे नेहरू पैलेस, कई बार घर जाना पड़ा तब वो हुआ। उसके बाद ये वाटर कूलर के लिए भी वही, कोई भी काम है ना अकेले प्रेसिडेंट नहीं संभाल सकता, एकदम ये ट्रूथ है। कोई भी आएगा उसको टीम वर्क करना चाहिए था, इनको उतना सपोर्ट नहीं मिला। मैं देखा ये जो दो लोग कैंडिडेट खड़े हैं, दोनों ईस्ट टेन्योर के मेस सेक्रेटरी हैं, और मेस बिल चला गया 2800-2900 तक। यहाँ सब स्टोरी ही है कि ये करेंगे वो करेंगे, ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था, ये सब स्टोरी है। मैं भी जो काम किया हूँ ना, ये सारा स्टोरी है, ये सब स्टोरी है, वर्क रिपोर्ट है, स्टोरी है। बताएंगे तो पूरा टाइम लगेगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो ये सब जो काम उस टेन्योर में रह गया था, मैं चाहता था जैसे पार्किंग बनवाना, साइन बोर्ड बाहर में गाड़ी वाले ढूंढते रहते हैं कि भाई झेलम हॉस्टल किधर है। 4 साइन बोर्ड उस टाइम ही पास हुआ था इसी के टाइम में, लेकिन वो पता नहीं आ पाया अभी तक। तो एक पार्किंग मैं तो सोच रहा हूँ वहाँ गेट पे एकदम से वो बंद करने का, कि अंदर 2-व्हीलर ना आए, पार्किंग सिक्योर पार्किंग यहाँ सामने बन सकता है। वो जगह मिला हुआ था, चरणदास से बात हुई थी जो ऑफिस में है DSW में। तो लेकिन मेरा लास्ट टाइम चल रहा था, उसके बाद ही आ गए, तो वो ऐसे ही खड़ा का खड़ा रह गया। तो वो मैं चाह रहा हूँ कि एक पार्किंग बन जाए वहाँ, बोर्ड साइन बोर्ड वगैरह लग जाए। और मेस का बात यहाँ तक है कि यहाँ आके वादा करते हैं वीकली मटन खिलाएंगे, कुछ नहीं हो पाता है। सिर्फ वादा कर देने से नहीं होता है, यहाँ रह के टाइम देना पड़ता है। दोनों के दोनों मेस सेक्रेटरी थे, पूछ लीजिए कितना टाइम दिए हैं, सब लोग यही हैं। महीने में स्पेशल डिनर जो होता है उसमें तो जरूर रहते हैं, रहना पड़ता है उसमें। बाकी जो ये मुदस्सिर जी थोड़ा टाइम दिए थे, जो एनालिसिस था वो सब था, ये थे सब। बाकी नाम बोल सकते हैं, बाकी जो एक और कैंडिडेट है वो उनको मैं बता रहा हूँ कि जैसे यहाँ नाश्ता करो
क्लास को भागो, फिर लंच करो, क्लास को भागो। टाइम अपने ही लाइफ में कम है, यहाँ जितने बैठे हैं वो सब लोग कम से कम ग्रेजुएशन तो कर ही चुका है या ग्रेजुएशन में है, ठीक है ना। तो उनको पता है कि थर्ड ईयर में कितना स्टडी लोड वर्कलोड होता है। तो अब इसको आप पर्सनल से जोड़ देंगे कि ये पर्सनल मैटर है, तो फिर पिछले बार भी पर्सनल से जोड़ा गया था कि ये पर्सनल मैटर है, तो दोनों के टेन्योर में आप फर्क देख सकते हैं। बाकी जो काम जो करना है मुझे, मैं सिर्फ ऐसे लंबी चौड़ी भाषण देना नहीं चाहता कि भाषण देके एकदम ताली मरवा लो, ऐसा कुछ नहीं। मैं भाषण देने में पक्का विश्वास ही नहीं करता, मुझे काम करना है, इसलिए मैं आ रहा हूँ, आना चाहता हूँ। तो आप लोग This will undoubtedly अगर private हुआ है तो reduce तो होगा ही होगा, लेकिन उसके अलावा reduce होगा इसका मतलब ये है कि कोई भी illegal खा लेगा, कोई भी बिना कूपन का खा लेगा, कोई यहाँ monitoring है ये नहीं है, क्या होता है। मिस सेक्रेटरी आते हैं इसलिए आते हैं, उसको पैसा 3,000 रुपया क्यों देते हैं ये लोग यार, यहाँ रहने के लिए देते हैं, लेकिन कोई रहता नहीं है। सब लोग बोलता है हाँ ठीक है काम चल रहा है। मैं सेक्रेटरी से पूछो क्या बनेगा, उसको खुद नहीं पता है कि आज क्या बना। किस बात का पैसे लेते हो, टाइम नहीं है तो नहीं आना चाहिए ना। कोई किसी को भी मैं बोल रहा हूँ, इन लोगों के पास टाइम नहीं है ना, इसलिए वो लोग यहाँ खड़े नहीं है। लोगों को सौंपते हैं कि भाई मेरे पास टाइम कम है, लेकिन आप देखो। तो इसका इज्जत सम्मान करना चाहिए, इनका पैसा। बहुत लोग इसमें ऐसे हैं कि दिल्ली में रहने लायक नहीं है पैसे के मामले में, लेकिन जेनू के वजह से, जेनू में फूड सब्सिडाइज होता है, तो बेचारा आप देख लीजिए ना, हम लोग खा सकते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि उनको वो 2500 तो बहुत ज्यादा लगता है यार, 2800-2900 तो बहुत ज्यादा हो गया। नॉर्मल रेट 2500 भी बहुत ज्यादा होता है, इस खाने का 2500 भी ज्यादा है, लेकिन 2900 रुपए किस बात पे दिया जाए, वो मॉनिटरिंग होता ही नहीं है, इसलिए भाग गया है एकदम से, ठीक है। फूड क्वालिटी का बात कर रहे हैं, फूड क्वालिटी धर्रा टाइप का है कि फूड क्वालिटी ये होगा, बिना यहाँ टाइम दिए कुछ क्वालिटी नहीं चेंज होने वाला है। यहाँ कोई भी आता है जीत के हाथ में ऐसे करके निकल लेता है, ठीक है ना, तो उसका फूड क्वालिटी नहीं होता है। उसमें मटन का जहाँ तक है वीकली खिलाएंगे, पॉसिबल नहीं है भाई साहब, वीकली 3 बार खिलाया जा सकता है 10-10 दिन पे, वो पॉसिबल है। डीप फ्रीजर वगैरह तो पास हो ही गया है, आ भी गया है, तो आ जाएगा, ठीक है ना। हॉस्टल रिपेयरिंग एंड पेंटिंग का, हॉस्टल का क्या है, कई घरों में रूम में दीवार गिर रहा है, इधर से भी गिर रहा है, प्लास्टर गिर रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। बोलते हैं कि 6-6 महीना हो गया हमको कंप्लेन किए हुए, क्यों भाई 6 महीना हो गया, क्या कर रहे हो कि 6 महीने से कंप्लेन ही हो रहा है। टू व्हीलर पार्किंग का बताइए, सैटरडे संडे को इतना बदबूदार ये हॉस्टल हो जाता है ना कि रहने का मन नहीं करता है। हर जगह डस्टबिन गिरा रहता है, और डस्टबिन का सारा मटेरियल जो वीकेंड पे पार्टी होता है वो सब बाहर, ठीक है ना। उसको अगर ठीक करना है तो सैटरडे संडे को इंश्योर करना पड़ेगा कि सफाई कर्मचारी आए, एटलीस्ट एक दिन तो आए सैटरडे संडे में, ठीक है ना। और उसको डस्टबिन को दीवार में एंगल बना के उस एंगल में डस्टबिन को रखो कि कुत्ता बिल्ली कुछ भी आए साला उसको गिरा ना पाए, इतना उस कॉर्नर में उसको बना के रखो। बाकी यहाँ पे बेड और टेबल नहीं, बेड और टेबल दोनों नहीं, ठीक है ना, दोनों नहीं। बच्चे आते हैं घूमते रहते हैं कि बेड चाहिए, अगर बाहर गलती से मिल गया तो खटमल वाला बेड रहता है, वो अंदर रखा कि पता चला बाद में खटमल आ गया, उसके रूम में पहले नहीं था, कैसे आ गया, तो उस बेड रखा हुआ था वो रख लिया गलती से, वो खटमल उसके साथ आ गया है। तो ये सब चीजें ना, और यहाँ पे कोई भी गेस्ट लोग आते हैं उसके लिए कोई यहाँ रुकने का बैठने का कोई जगह नहीं है, तो गेट पे एक जगह है वहाँ पे बनाया जा सकता है। तो इसको सोचने की जरूरत है कि हाँ एक यहाँ पे अपने हॉस्टल का ऐसा गेस्ट रूम हो तो ज्यादा अच्छा होगा, लग जाता है कहाँ बैठेंगे पता ही नहीं है, तो गेस्ट रूम चाहिए। उसके अलावा
ब्रह्मपुत्र हॉस्टल के बाद इसी हॉस्टल को मैच्योर माना जाता है। क्यों? इसलिए माना जाता है कि जो ये हॉस्टल है ना, इसमें और हॉस्टलों से ज्यादा प्रोग्राम यहाँ होता है, जिसमें चार्ट सम्मेलन बिना सीनियर्स के सहयोग से वो हो ही नहीं सकता। तो हॉस्टल चलाना किसी एक के बस की नहीं है, इसमें कलेक्टिव अगर सीनियर्स का सपोर्ट ना हो तो ये हॉस्टल नहीं चल सकता। इसलिए इस बार मैं ये पूरा काम करके जाना चाहता हूँ यहाँ से, उसके बाद जिसको संभाले, लेकिन ये काम होना चाहिए। अगर बीच में ही मिल गया तो क्या करेंगे? I invite Abhinav to come to the dais and collect his motion. Motion time for Rohit Kumar Sharma starts now. तुमने तो पूरा ही इसको जेएनयू से चुनाव बना दिया यार। सीनियर्स का अपील है कि एक बार फिर से पढ़ा जाए, मुझे लग रहा है मुझे सुनना चाहते हैं। पढ़ा क्या रहे?
काम मैं तो मानता हूँ कि मैंने कुछ भी अकेले नहीं किया। प्रेसिडेंट भले ही मैं रहा, मैंने सबसे पूछा और पहले भी मैं बोला हूँ जब मैं बात कर रहा था, मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि प्रेसिडेंट कोई भी होगा वो अकेले कभी भी कोई भी काम नहीं कर सकता, चाहे हॉस्टल प्रेसिडेंट हो या JNSU का प्रेसिडेंट हो या फिर भारत का प्रेसिडेंट। बहुत बढ़िया बढ़िया, हमें पता है आपका इशारा कहाँ है। मैं बात शुरू करूंगा अभी जितने भी हमारे प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे जो भी बात करके गए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बात किए हैं नो डाउट की, और मैं चाहूंगा कि उन्हीं से बात स्टार्ट किया जाए। बात दरअसल यहाँ से स्टार्ट करेंगे, वाटर कूलर से जो 2 महीने पड़े हमारे आंखों के सामने पड़ा रह गया, 2 महीने और नहीं लगे। हालांकि मैं जरूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए बार बार डीन ऑफिस ही जाके दरवाजा खटखटाया जाए, इसकी बात मेरी जो है इंजीनियर से फोन पर 3-4-5 बार हुई बात हुई कंटिन्यू। डीन ऑफिस हम सब मिलकर गए थे, चरणदास के पास से हम लोग डीन के पास भी मिले, जो है डीन के बाद स्टेट ब्रांच के बाद जो इंजीनियरिंग ब्रांच गए। सबसे खराब जो है प्रशासन है ना, इसने जो GBM के जगह और EBM के जगह जो जम साइट लाया है सबसे बड़ा घोटाले बाज है। वाकई में इसको इसलिए बताने की जरूरत है कि ये 2 महीने जो पड़ा हुआ था उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हकीकत बात तो है और इसमें इसलिए मेरा दोष नहीं है क्योंकि इसमें घोटालेबाजी नहीं हो पाई थी, इसलिए इसको एक्सचेंज करके दूसरा लाना चाहते थे दूसरे कंपनी का। दूसरी चीज, अभी जब हमने Sony TV का जो है जिक्र किया था कि Sony TV जो है बनवाया गया, हम लोग बनवाने गए जो है गए जब नेहरू प्लेस, तो उससे पहले आकर मैंने जेम साइट पर Sony TV को देखा, क्या Sony TV है? तो वहाँ Sony TV नहीं LG TV है। बताइए ये प्रोडक्ट यहाँ से बोलते हैं कंपनी को कि तुम्हारे कंपनी में यह प्रोडक्ट होना चाहिए, इस प्रोडक्ट को मैं परचेज करूंगा और तुमको इतना परसेंट पे करूंगा, और यहाँ पर जो है भर भर बैग पैसा आता है, ये खाते हैं सब लोग और हमको जो है बरगलाते हैं और हमको जो है आज और कल और परसों और ऐसे करते करते साल भर का चक्कर। ईमानदारी के साथ रहते थे। देखिए तीसरे नंबर पे नाम आता है बुद्धा का। बुद्धा वाकई में मैं बताऊं कल्चर फ्रंट का जितना भी काम था पैसा देता था, उस पैसों को पूरे तरीके से यूटिलाइज करके पूरे काम को ईमानदारी के साथ 24 घंटे पहले मुझे हैंड ओवर करता था। हमारे कमेटी में जो मेस कमेटी में थे आदिल और अभिनव, इन लोगों को भी पता है। ये तो मेरी कमेटी नहीं, कमेटी मुझे सपोर्ट की नो डाउट, कमेटी में मेरे यूनु सर थे वाकई में, और उनके नाम भूल जाता हूँ। दरअसल नाम भूल जाता है लेकिन नाम कोई नहीं, इन सब चीजों को लेकर हमको सपोर्ट लगता है। और ये केवल मेस कमेटी और हॉस्टल कमेटी की जिम्मेदारी नहीं है कि जो है पूरा हॉस्टल वही चलाएगा, हालांकि हमको रिबेट मिलता है नो डाउट, प्रेसिडेंट को तो कुछ भी नहीं मिलता है फिर भी वो गला फाड़ फाड़ चिल्लाता है काम करता है। कोई भी हो गया नहीं कि मैं कह रहा हूँ मुझे मिलना चाहिए, हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। जो हम Jhelum की रट लगाए रहते हैं और Jhelum परिवार की Jhelum कल्चर की बात करते हैं, वो कल्चर केवल प्रेसिडेंट और मैं सेक्रेटरी और हॉस्टल कमेटी की वजह से नहीं चलता है, इसमें इसका नाम। और मैंने ये भी कहा कि अगर जो मैं Jhelum हॉस्टल में नहीं रहता तो मुझे नहीं लगता कि मैं Jhelum में या फिर किसी भी JNU में किसी भी हॉस्टल प्रेसिडेंट बनता। मौका दिया है आप लोगों ने इस चीज को, मैंने जितना भी हम अगर पूरा काम छोड़कर केवल राजनीति करना स्टार्ट कर दे तो यह जानकर हमें और हमारे समाज को, हमारे घर वालों को, हमारे दोस्तों को दुख होगा कि हमारा लड़का बर्बाद होगा। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई करना है, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पर इंक्वायरी होनी चाहिए, यहाँ पर इंक्वायरी
तो यह इंक्वायरी हमारे सभी रेजिडेंट्स की जिम्मेदारी बनती है कि हम अगले के पीछे जब खड़े हैं तो देखे वो किस पर नाम चढ़ा रहा, कहीं दूसरे पर तो नहीं चढ़ा रहा एंट्री कर रहा। ये हमें देखने की जरूरत है। जो फूड की क्वालिटी की बात हो रही है और जो खाना ले जाने की बात हो रही है, मैं बता दूंगा, नाम लेके बता दूं, कहिए तो कौन किस किस रूम में जो जाता है, लेकिन बताऊं डिस्क्लोज करने की बात नहीं है यहाँ पे। वो हमारे भाई बंधु है, एक दिन दो दिन आपके पास कोऑपरेट करते हैं, हम भी देखते हैं लेकिन इग्नोर करते हैं, लेकिन कोई ये ना सोचे कि हम नहीं देखते हैं। हमारे सभी रेजिडेंट देखते हैं, हमारे कॉमन सीनियर्स, कॉमन स्टूडेंट जो पॉलिटिकली अवेयर है, लेकिन वो टारगेट नहीं करते किसी को। वो जानते हैं, हम उससे बात करते हैं कि सुनी इस लड़के के साथ शायद इसका इकोनॉमिक कंडीशन खराब है, इसलिए ले जा रहा है, लेकिन दो बार तीन बार चार बार ले जाए, उससे ज्यादा नहीं ले जाए। खैर, इस डिबेट को मैं यहाँ बंद करते हुए मैं कहना चाहूंगा, जो सीनियर्स का डिमांड था कि आपने साल भर का जो है बताइए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार, कोई जूनियर वगैरह भी बोले जो नए आए हैं थोड़ा। With this, I announce the conclusion of the first session of the presidential debate of the Jhelum Hostel. I thank you all for your support and cooperation. We will reconvene in 5 minutes at 12:28 PM for the second session. Thank you.